और एलियन क्या है हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं बचपन से लेके अब तक मूवीज़ ड्रामाज़ या कार्टून्स वगैरह में हम एलियन देखते आए हैं सुनते आए हैं एलियन क्या होती है कैसी ऐसी मखलूक होती है जो कि इंसानों से थोड़ी डिफरेंट होती है फिज़िकली या मैंटली वो और तरह के होते हैं या हम ये कह सकते हैं कि वो ज़मीन से बिलोंग नहीं करते बल्कि किसी और प्लानट की मखलूक लगते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये जो है ये एलियन है कार्ल मार्क्स की जो थेरी ऑफ एलियनेशन है यहाँ पर आपको एलियन वाला थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट नज़र आएगा आप रिलेट कर पाओगे इसको अब एलियनेशन का लिटरल मीनिंग क्या है स्ट्रेंजमेंट अब स्ट्रेंजमेंट क्या होती है जहाँ आप स्ट्रेंज फील करते हो या हम इसको ये भी कह सकते हैं सेपरेट फ्रॉम अगर मैं इसको सिंपली डिफाइन करूं कि एलियनेशन है क्या एलियनेशन जब आप अपनी सोसाइटी से डिसकनेक्ट फील करते हो आप स्ट्रेंज फील करते हो आपको लगता है कि सोसाइटी में आपकी कोई जगह नहीं है या फिर आप ख़ुद को रिलेट नहीं कर पा रहे होते किसी सिचुएशन में आप ख़ुद को पावरलेस फील कर रहे होते हो मीनिंगस फ़ील कर रहे होते हो और आइसोलेशन में चले जाते हो तो वहाँ पर क्या है कि एलियनेट हो रहे होते हो वहाँ पर एलियनेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है यानी जब आप अपने आप को अपनी सोसाइटी से डिसकनेक्ट फील करते हो तो वो है एलियनेशन ये सिंपल मीनिंग है एलियनेशन का अब कार्ल मार्क्स ने इसको कैसे डिफाइन किया था कार्ल मार्क्स ने कहा था द प्रोसेस वेयर बाय द वर्कर इज मेड टू फील फॉरिन टू द प्रोडक्ट ऑफ हिज हर ऑन लेबर कार्ल मार्क्स ने कहा था कि, कि जब एक इंसान खुद मेहनत करके एक प्रोडक्ट बनाता है और उसका अपने प्रोडक्ट पर कोई हक नहीं होता वो उस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर सकता वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में जाता है वो बिकता है लेकिन उस बंदे की इतनी पहुंच भी नहीं होती इतना पैसा भी नहीं होता कि वो उसको खरीद सके तो ये है एलियनेशन यानी एक बंदा अपनी मेहनत से एक चीज़ बना रहा है और वो उस पर कोई हक़ नहीं रखता उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता तो ये एलियनेशन होती है कार्ल मार्क्स कैपिटलिस्ट सिस्टम की बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे और हमेशा हमें नज़र आएगा कि वो प्रो लेट्रेट क्लास की फेवर में बात करते हैं तो यहाँ भी वो यही कह रहे हैं कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो है प्रोलेट्रिएट क्लास जो है वो एलियनेट हो रही है कैपिटलिस्ट की वजह से इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैनोस्क्रिप्स 1844 में जो कि 1932 में पब्लिश हुई थी कार्ल मार्क्स की एक बुक थी जिसमें उन्होंने एलियनेशन का कॉन्सेप्ट दिया था अब एलियनेशन की रीजंस क्या है एलियनेशन की बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं लेकिन यहाँ पे हम दो इम्पॉर्टेंट रीजंस uh, को डिस्कस करेंगे जो है डिवीजन ऑफ लेबर और मैकेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवीजन ऑफ लेबर इडर खाइम इसकी फेवर में थे उन्होंने इस पर अपनी एक थेरी भी दी थी डिवीज़न ऑफ़ लेबर यहाँ पे क्या होता है कि काम को तकसीम कर दिया जाता है लोगों के दरमियान अब क्या होता है कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जब एक काम को आप लोगों में डिवाइड कर दोगे और रिपीटेडली वो काम वो करेंगे तो उससे वो उतार जाएंगे उनकी क्रिएटिविटी उनकी स्किल्स जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और मैकेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट में वो कहते हैं कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था तब जो लोग पहले हाथ से चीज़ें बनाते थे वो सारा जो है वो काम शिफ्ट हो गया था मशीनरी पे वो काम मशीनों ने करना शुरू कर दिया था तो यहाँ से बेसिकली एक्सप्लोइटेशन शुरू हुई थी यानी जो काम पहले दस लोग मिल कर रहे हैं एक प्रोडक्ट बना रहे हैं अब वही मशीन बना रही है और एक बंदा कैपिटलिस्ट को चाहिए जो कि सुपरवाइज करे तो यहाँ पर फिर वो कॉम्पिटिशन आ जाता है और एक्सप्लोइटेशन शुरू हो जाती है तो ये मेकेजेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है इसमें क्या होता है कि शिफ्ट हो गई थी मशीनरी पे जहाँ से एक्सप्लाइटेशन और ये सब शुरू हुआ और जहाँ से वर्किंग क्लास जो है वो एलियनेट हुई या आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से ये दोनों जो हैं वो एलियनेट हो रहे हैं प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन से तो वो आगे फोर टाइप्स से उनको हम डिस्कस करते हैं और एक और बात ये जो एलियनेशन है ये ना सिर्फ सोशियोलॉजी में या कार्ल मार्क्स ने इसका कॉन्सेप्ट दिया बल्कि एलियनेशन आपको ये वर्ड और जगह भी यूज़ होता हुआ नजर आएगा जैसे फॉर एक्ज़ाम्पल प्रॉपर्टी लॉ में हम बात करें अगर एक बंदा अपनी प्रॉपर्टी को खो देता है या उसका उस पर राइट नहीं रहता तो वो अपनी प्रॉपर्टी से एलियनेट हो रहा है ठीक है इसी तरह साइकोलॉजी में लॉस ऑफ मेंटल फैकल्टीज को हम कहते हैं एलियनेशन तो एलियनेशन का कॉन्सेप्ट आपको डिफरेंट जगहों पर नजर आएगा लेकिन जो चीज़ सेम है वो ये है लॉस जहाँ पर आपका किसी चीज़ पर कोई हक नहीं रहता या आप उसको खो देते हो उसको हम कहते हैं ये एलियनेट हो रहा है तो एलियनेशन सिंपली क्या है जब एक इंसान अपनी सोसाइटी से डिसकनेक्ट फील करे स्ट्रेंज फील करे तो ये एलियनेशन होती है और कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जब एक वर्कर अपना प्रोडक्ट बनाता है और उसका उस पर कोई हक नहीं होता वो फ़ॉरन फील करता है तो ये एलियनेशन होती है और डॉर एजेंसी नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एलियनेशन नेक्स्ट फोर टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा कैपिटलिज्म के बारे में देख लेते हैं क्योंकि मार्क्स इसके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे और वो कहते थे कि कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन को ख़त्म करके जो है वो कम्युनिज्म uh, का निज़ाम लाना चाहिए तो कैपिटलिस्ट सिस्टम एक्चुअली करता क्या है जिसकी वजह से वर्कर जो है वो एलियनेट हो रहे होते हैं वर्कर्स एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कहाँ पे एलियनेट होते हैं कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में कार्ल मार्क्स ने जो थेरी दी थी वहाँ पे वर्कर्स एलियनेट हो रहे होते हैं वो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में होते हैं कैपिटलिज्म क्या है ये एक इकोनॉमिक मोड ऑफ प्रोडक्शन है जहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट होता है ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये आराम से आप इससे अंदाज़ा लगा लेते हो जिसके पास जितना पैसा होगा वो अमीर होगा वो अपर क्लास होगा वो बोर्ड होगा और जिसके पास पैसा नहीं होगा वो अपर क्लास के पास काम कर वो प्रो लिट्रेट क्लास के लोग होंगे तो प्राइवेट प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आप खुद अपनी प्रॉपर्टी ऑन कर सकते हो ठीक है इसमें क्या होता है कैपिटलिस्ट सिस्टम में जैक्टिफिकेशन ऑफ लेबर क्योंकि अब जो अपर क्लास के लोग हैं जो कैपिटलिस्ट हैं वो कम वेजिस पर रख रहे हैं अपने पास प्रो लिटरेट क्लास को उनसे काम करवा रहे हैं उनसे अशिया बना के मार्केट में फ़रग कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ लेबर का कैसा कॉन्सेप्ट आता है ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ लेबर क्या है कि एक बंदा है वो अपनी स्किल से अपनी क्रिएटिविटी से एक चीज़ बनाता है और वह चीज़ फिर आगे मार्केट में जाती है सेल होने अब वो अपनी स्किल को अपनी क्रिएटिविटी को अपने हाथों से एक चीज़ बनाता है उसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर देता है यानी यहाँ पे एक वर्कर की जो स्किल्स होती हैं जो क्रिएटिविटी होती है जिसकी मेहनत हो रही होती है वो कन्वर्ट हो जाती है ऑब्जेक्ट में और वो ऑब्जेक्ट फिर आगे जो है वो सेल होने चला जाता है तो यहाँ पर एक लेबर जो है यानी लोगों की मेहनत को हम एक ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं और कमोडिटीज़ फैटिज़म क्या होता है कि जब एक प्रोडक्ट मार्केट में सेल होने चला गया अब लोग उस प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं उनको उस चीज़ को ऑब्सेशन होता है उनको इस चीज़ से गर्ज नहीं होगी कि ये किसने बनाया है किसकी मेहनत लगी है इस पर कैपिटलिस्ट ने इसको कितना पे किया है इस चीज़ पे उनका ध्यान नहीं जाएगा उनको बस उस प्रोडक्ट से गर्ज होती है जो कि वो मार्केट में देख रहे होते हैं तो ये है कमोडिटीज़ फैटिशम नेक्स्ट है फोर टाइप्स ऑफ एलियनेशन कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिस्ट मोड ऑफ़ प्रोडक्शन में फोर टाइप्स बताई थी कि चार तरीक़ों से जो है वर्कर एलियनेट हो रहे होते हैं फर्स्ट टाइप है एलिनेशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है कि किस तरीके से एक प्रोडक्ट बनता है अब एक प्रोडक्ट को बनाने का जो तरीका होता है उस पर आपका कोई हक नहीं है आपने अपनी मर्जी नहीं करनी अपनी स्किल अपनी क्रिएटिविटी यूज़ नहीं करनी प्री डिफाइंड टास्क होते हैं आपको बता दिया जाता है कि प्रोडक्ट जो है वो इस तरीके से बनाना है तो आपको उसी तरीके से बनाना है दूसरा वहाँ पर जो है वो मशीनरी आ जाती है मशीन का सारा काम होता है आपने बस उसको सुपरवाइज़ करना होता है तो सुबह से शाम तक आप जो है वो रिपीटली बस जो आपका एक काम चल रहा है आपने वही करना है वही हेक्टिक रूटीन होती है आपकी तो यानी यहाँ पे एक प्रोडक्ट किस तरीके से बनाना है उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए इस चीज़ का वर्कर का कोई राइट नहीं होता कि वो अपनी मर्ज़ी से बना ले जो उसको बताया जाएगा उसने वैसे ही करना है तो यह है एलियनेशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के प्रोडक्ट के बनाने के प्रोसेस से वर्कर एलियनेट हो रहा होता है सेकेंड है एलियनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट यानी जो प्रोडक्ट है जो चीज़ उसने बनाई है उससे वो एलियनेट हो रहा है वो जो चीज़ बना रहा है वो उसकी नहीं है वो चीज़ आगे मार्केट में सेल होने जाती है अब एक बंदा एक चीज़ बना रहा है वो उसको यूज़ तक नहीं कर सकता वो सिर्फ फॉरेन फील करता है स्ट्रेंज फील करता है तो यहाँ पे वो एक्टिंग ट हो रहा होता है कि वो अपनी मेहनत से एक चीज बना रहे हैं वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता वो चीज़ उसकी नहीं है और जब वो चीज़ मार्केट में जाती है तो वो मे बी वो उसको परचेज़ ना कर सकता हो क्योंकि वो बहुत महंगी हो तो यहाँ पे जो है अपने प्रोडक्ट से एलियनेट हो रहा है जैसे एक बंदा अब कार बनाता है वो उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो एक गाड़ी खरीद सके क्योंकि वो अपनी दो वक्त की रोटी मुश्किल से पूरी कर रहा है लेकिन वो प्रोडक्ट वो बना खुद रहा है लेकिन उसका उस पर राइट नहीं है वो यूज़ नहीं कर सकता वो ख़रीद नहीं सकता तो ये है एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट जहाँ पर आप अपना एक प्रोडक्ट बना रहे हो और आपका अपने प्रोडक्ट पर कोई राइट नहीं रहता एंड द थर्ड वन इज एलियनेशन फ्रॉम अदर वर्कर्स जब सुबह से शाम तक आपने अपने कामों में लगे रहना है जो आपकी एक रूटीन है आपने उसके मुताबिक काम करते रहना करते रहना है तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि आप अपने फेलो वर्कर्स से इंटरेक्ट कर सको तो इस तरीके से आप एलिएट हो रहे होते हो कि सारे अपने अपने कामों में इतने मगन हो गए होते हैं कि वो जो है उनके पास टाइम ही नहीं होता एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का तो वो एलियनेट फील कर रहे होते हैं नेक्स्ट है एलिएशन फ्रॉम दिस सेल्फ ये वन ऑफ द मोस्ट आप कह सकते हैं डेंजरस टाइप है एलियनेशन की जहाँ पर आप खुद से एलियनेट हो जाते हो खुद से एलियनेट कैसे होते हो कि आपकी अपनी कोई मर्जी नहीं रहती कोई विल नहीं रहती अगर आपका छुट्टी का दिल कर रहा है काम करने का नहीं दिल कर रहा लेकिन फिर भी आपको वो करना होगा क्योंकि वो आपकी मजबूरी है यहाँ पर एक फोर्स एक्चुअली एक फोर्स ऐसी होती है जो नज़र नहीं आ रही होती है आपके ऊपर एक दबाव नहीं होता कि यार तुमने ये करना ही करना है लेकिन आपके ऊपर एक प्रेशर होता है ये मैंने अपनी फ़ैमिली को सपोर्ट करना है मैंने अपना घर चलाना है दो वो की रोटी पूरी करनी है तो ये जो प्रेशर होता है इसकी वजह से आपका अपना सेल्फ कहीं ख़त्म हो जाता है आपके अपने इमोशंस अपनी विल ख़त्म हो जाती है और आपको जो है बस वो एक जो बहाव होता है उसके साथ ही आप, आप जो है आप बहते चले जाते हो तो यानी यहाँ पर सेल्फ किस तरीके से एलियनेट होते हो वहाँ पर आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते हो जो आपका दिल करा है वो नहीं कर सकते हो बल्कि जो आपकी सोसाइटी आपसे करवाना चाह रही है आप वो काम कर रहे होते हो तो इसको हम समराइज़ करें अब एलियनेशन क्या है एलियनेशन सिंपली जब एक इंसान अपनी सोसाइटी से स्ट्रेंज फील करे डिसकनेक्ट फील करे तो हम कहते हैं ये एलियनेशन है इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वहाँ पे वो आइसोलेट हो रहा होता है पावरलेस फील कर रहा होता है या मीनिंगलेस लग रही होती है उसको अपनी लाइफ या वो खुद को किसी सिचुएशन में रिलेट नहीं कर पा रहा होता तो ये एलियनेशन है।, है फिर जो है हमने रीजंस डिस्कस किए एलियनेशन के जिसमें हमने दो इंपॉर्टेंट रीजंस को डिस्कस किया और दिन हमने देखा कि कैपिटलिस्ट सिस्टम किस तरीके से वर्कर्स को एलियनेट कर रहा है प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे वर्कर्स ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ लेबर होती है कमोडिटीज पेटिशिज्म और ये हम रीजंस भी कह सकते हैं कॉजेज़ भी कह सकते हैं कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में जो है वो एलियनेट हो रहे होते हैं वर्कर्स क्यों हो रहे होते हैं ये वजह है ठीक है और नेक्स्ट हमने टाइप्स डिस्कस किए कि एक प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन की किस तरीके से प्रोडक्ट बनाना है इस पर उनका राइट नहीं रहता जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं उसको वो इस्तेमाल नहीं कर सकते उससे वो एलिएनेट हो रहे होते हैं अदर वर्कर्स से इंटरेक्शन का टाइम नहीं होता अदर फेलो वर्कर्स से जो है वो एलिनेट हो रहे होते हैं और सेल्फ से यानी वो खुद से एलिएेट हो जाते हैं तो ये था आज का लेक्चर आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप लोगों को इसके नोट्स में मिल जाएंगे सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल डू लाइक कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो थैंक यू सो मच